हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अवर चैनल पंगाल टेक्नोलॉजी और फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो मेरे आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कुछ लोग ऐसा बता रहे हैं उनका कमेंट्स मेरे को मिला है कि ई में उनको एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट येस दिखा रहा है और सिकनेस बेनिफिट नो दिखा रहा है ऐसा क्यों तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है कि ई में आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं उसके लिए आपको क्या क्राइटेरिया होना चाहिए अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक डाल दूंगा आप वहां पे क्लिक करके भी वो वीडियो देख सकते हैं आपको समझ में आ जाएगा कि आपको ईएसआईसी में क्या-क्या बेनिफिट मिलते हैं और उसके लिए आपके पास क्या-क्या कंडीशन होनी जरूरी है इसके अलावा कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट रहती हैं कि आपको सिकनेस बेनिफिट मिलेगा या एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट मिलेगा डिसेबिलमेंट बेनिफिट मिलेगा मेटर्निटी बेनिफिट मिलेगा वो डिपेंड करता है उसके लिए कुछ एडिशनल क्राइटेरिया रहते हैं जो आप खुद से भी चेक कर सकते हैं अगर आपको खुद से चेक करना है कि आपको क्या क्या बेनिफिट ई के अंडर मिलेंगे तो इसके लिए आपको ई पोर्टल पर जाना है और ई पोर्टल पर जाकर जो इंश्योर्ड पर्सन का जो लॉग वाला ऑप्शन है उसमें आपके जाके अपना ई और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है जैसे ही आप लॉगिन कर लेते हैं आपका जो ई का पोर्टल है वो लॉगिन हो जाएगा इसमें आपको अपनी बेसिक डिटेल्स देखने को मिलेंगी यहाँ से आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं जो भी आप कंफर्टेबल हैं इंग्लिश और हिंदी इसके बाद देखिए यहाँ पे आप देखेंगे इनटाइटलमेंट टू बेनिफिट इसका मतलब क्या है कि आप किस किस बेनिफिट के लिए इनटाइट हैं क्या क्या बेनिफिट आपको ई से मिलेगा क्या आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं जो कंडीशन हैं वो आप फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो क्वेश्चन था कि किस कुछ लोगों को सिकनेस बेनिफिट यस दिखा रहा है कुछ लोगों को एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट यस दिखा रहा है बट सिकनेस बेनिफिट नो दिखा रहा है यानी कि यहाँ पे ये दोनों कंडीशन यस हैं लेकिन कुछ में क्या है ये वाला नो दिखा रहा है कुछ में ये वाला नो दिखा रहा है कुछ में और कोई वाला नो दिखा रहा है कोई यस दिखा रहा है तो ये क्या क्राइटेरिया रहते हैं तो सिंपली हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि यहाँ पे देखिए सिकनेस बेनिफिट और एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट यहाँ पे दो ये कंडीशन है सिकनेस बेनिफिट में क्या क्या, क्या रहता है एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट में क्या क्या रहता है वो आपको पता है तो जैसे ही आप देखेंगे सिकनेस बेनिफिट के लिए यहाँ पे

अगर आपका नौ महीने नहीं हुआ है आपको पहले ही पता है कि ई में आप मेडिकल बेनिफिट फर्स्ट डे से ले सकते हैं लेकिन सिकनेस बेनिफिट लेने के लिए आपका जो इम्प्लॉयमेंट है वो नौ महीने पुराना होना चाहिए सेकेंड यहाँ पे क्या है कॉन्ट्रीब्यूटेड लेस देन 78 डेज इन द कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ट्रीब्यूशन पीरियड यानी कि एक जो पीरियड होता है आपको पता होगा ईएसआईसी का सिक्स मंथ का होता है उस एक सिक्स मंथ के पीरियड में अगर आपका कॉन्ट्रीब्यूशन 78 डेज से कम है तो भी आपको सिकनेस बेनिफिट नहीं मिलेगा थर्ड यहाँ पे है इफ़ एंटर्ड इन इंश्योरेबल इंप्लॉयमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन एनी कॉन्ट्रीब्यूशन पीरियड एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड फॉर लेस देन हाफ नंबर ऑफ डेज ऑफ सच शॉर्टर कॉन्ट्रीब्यूशन पीरियड यहाँ पे ये क्या करें कि मान लो एक जो सिक्स मंथ का कंट्रीब्यूशन पीरियड होता है अगर आपने फर्स्ट जैन मतलब अप्रैल टू तो सितंबर रहता है अगर आपने अप्रैल में ज्वाइन किया और सितंबर तक काम किया तो जो छः महीने का कंट्रीब्यूशन पीरियड है उसमें कम से कम तीन महीने का आपका कॉन्ट्रीब्यूशन उसमें सबमिट होना चाहिए अगर आप अप्रैल की बजाय जून या जुलाई में ज्वाइन करते हैं और आप तीन महीने ही ज्वाइन करते हैं मतलब जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर ये तीन महीने आपका रहता है और अगर इन तीन महीने में आपका डेढ़ महीने का कॉन्ट्रीब्यूशन जमा नहीं है तो भी आपका सिकनेस बेनिफिट नो रहेगा तो ये एडिशनल कंडीशन यहाँ पे हैं वो वहाँ पे मैंने बताया था कि सिंपली आपका 78 डेज़ का कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए तभी आप सिकनेस बेनिफिट के लिए इंटाइटल है लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे लिखा गया है कि आपका जो इंश्योरेंस नंबर है वो नौ महीने पुराना होना चाहिए इसके अलावा आपका 78 डेज़ का कंट्रीब्यूशन पीरियड होना चाहिए और इसके साथ साथ यहां पे लिखा है कि अगर आप छह महीने काम करते हैं तो उसमें तीन महीने का कॉन्ट्रीब्यूशन जमा होना चाहिए है, उसका जो हाफ है कम से कम उससे ज्यादा आपका कॉन्ट्रीब्यूशन जमा होना चाहिए तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगी कि इसमें क्या लोचा है सिंपली यहां पे बोला गया है कि अगर आपको सिकनेस बेनिफिट यहां पे यस चाहिए तो आपका इंश्योरेंस नंबर नौ महीने पुराना होना चाहिए आपका सेवेंटी एट डेज का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए ये मैंडेटरी है इसके अलावा अगर आप सिक्स मंथ का आपका जो इंप्लायमेंट है उसमें आपका थ्री मंथ्स का कंट्रीब्यूशन सबमिटेड होना चाहिए यानी कि अगर आप छः महीने काम करते हैं अगर तीन महीने आप छुट्टी पर भी हैं तो भी आपका इलाज हो जाएगा लेकिन अगर आप छः महीने में चार महीने छुट्टी पे हैं और दो महीने आपने काम किया तो आपका इसे सिकनेस बेनिफिट आपका नो रहेगा इसी तरह से एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट में भी कुछ क्राइटेरिया दिए गए हैं जैसे नॉट स्प्रिंग फ्रॉम एनी ऑफ लिस्टेड थ्री थर्टी फोर डिजीज अगर जो ये थर्टी फोर डिजीज जो लिस्टेड की गई हैं जिसमें एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट मिलता है अगर ये इसमें से कोई भी बीमारी आपका है तो आप एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट लेंगे अगर ये वाला नहीं है तो आपका एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट में कवर नहीं होता है इसके बाद लिखा हुआ है लेस देन टू ईयर Continuous इंश्योरेबल इंप्लॉयमेंट यहाँ पे देखिए पहले वहाँ पे क्या लिखा हुआ था आपका नाइन मंथ का इंप्लॉयमेंट होना जरूरी है यहाँ पे लिखा हुआ है लेस देन टू ईयर कॉन्टिन्यूस इंश्योरेबल इम्प्लॉयमेंट यानी कि आपका अगर दो साल कॉन्टिन्यू एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो आपको एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट नहीं मिलेगा तो यहाँ से आपको क्लियर हुआ कि आपका जो एम्प्लॉयमेंट है वो दो साल पुराना होना चाहिए यानी कि दो साल का आपका एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए कॉन्ट्रीब्यूटेड फॉर लेस देन वन फिफ्टी सिक्स डेज इन प्रोसीडिंग फोर कॉन्ट्रीब्यूशन पीरियड दो साल का आपका पुराना हो गया इम्प्लॉयमेंट अब उसमें भी इन्होंने कंडीशन डाल दिया कि दो साल का जो इम्प्लॉयमेंट आपका है यानी कि दो साल जो आपने काम किया है उसमें एक सौ छप्पन दिन से अगर कम का कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ तो आपका जो एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट है वो आपको नहीं मिलेगा यानी कि दो साल में एक सौ छप्पन दिन का कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए नॉट एनटाइटल्ड फॉर एस पी इन एनी वन ऑफ द फोर प्रोसीडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन पीरियड यहाँ पर एस बी मतलब सिकनस बेनिफिट आपको पता है सिकनस बेनिफिट के लिए एक कॉन्ट्रीब्यूशन पीरियड में सेवेंटी एट डेज का कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए अगर फोर कॉन्ट्रीब्यूशन पीरियड में से किसी भी एक पीरियड में अगर आप सिकनस बेनिफिट के लिए इनटाइटल्ड नहीं है तो आपको एक्सटेंडेड सिकनस बेनिफिट भी नहीं मिलेगा तो ये सारे जो बेनिफिट्स हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं कि आपके सिकनेस बेनिफिट के लिए आपको नौ मंथ का इंप्लॉयमेंट चाहिए एक्सटेंडेड सिक्नेस बेनिफिट के लिए आपको दो साल का इंप्लॉयमेंट चाहिए इसमें आपको कंट्रीब्यूशन सेवेंटी एट डेज का चाहिए इसमें आपको एक सौ दिन का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए ये दो साल का है दो साल में किसी भी एक कंट्रीब्यूशन पीरियड में अगर आपका सिक्नेस बेनिफिट न हुआ यानी कि अगर आपने अठहत्तर दिन से काम कम किया तो आपका सिकनेस बेनिफिट न हो जाएगा जैसे ही आपका सिकनेस बेनिफिट न होगा आपका एक्सटेंडेड सिक्नेस बेनिफिट भी न हो जाएगा तो यहाँ से आप समझ सकते हैं आपका जो कंडीशन है वो क्या है कि आपने हो सकता है आपका जो इंश्योरेंस नंबर है वो नौ महीने पुराना ना हो इसलिए आपका सिकनेस बेनिफिट न हो या हो सकता है आपका जो इम्प्लॉयमेंट है वो दो साल पुराना ना हो यानी कि आपने जब से आपका नंबर रजिस्टर हुआ और आज तक उसको दो साल ना हुए तो भी आपका एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट ना हो सकता है या आप बोलो कि मैंने दो साल का मेरा पुराना ई एस नंबर है तो उसमें हो सकता है कि आपका एक दिन से कम का कॉन्ट्रीब्यूशन बन रहा हो दो साल में तो इस वजह से भी आपका एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट नो हो सकता है इसी तरह यहाँ पे सभी के रिमार्क्स लिखे हुए कि किस रीजन में आपका ये नो हो सकता है अगर आपको बाकी का भी जानना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं अगर इसमें हम बनाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी समझ में आई होगी इसमें क्लियरली बस यही एक पॉइंट था कि सिकनेस बेनिफिट आपका नो क्यों दिखाता है एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट नो क्यों दिखाता है उसका क्या रीजन हो सकता है वो रीजन यहाँ पे दिए हुए हैं जो मैंने आपको बताए हैं करता हूं आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी जो इंश्योर्ड पर्सन है उनको पता चले कि उनको सिकनेस बेनिफिट और एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट क्यों नहीं मिल रहा है और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच फ्रेंड्स